भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी। अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। आइए हम सब मिलके इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और लोकतंत्र की इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे, इसमें जीत हासिल होगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, संविधान के ज्ञाता और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार आपके सामने रखे, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे साथियों दोस्तों, आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है। तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो, दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो, तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलके तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी। तुम्हारी सत्ता को बदलने का तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस काले अध्यादेश के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं आइए हम सब मिलके इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलके इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपको भगवंत मान जी को और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुनना है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के नेताओं से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने मुलाकात की है, सबका समर्थन मिल रहा है।
आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए, और इस अधिकार को अगर छीना गया तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई होगी। राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो इस बिल को सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गिराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी।